हाय गुड इवनिंग, मेरा नाम पोचम, चेन्नूर तेलंगाना का रहने वाला। अभी कला यात्रा करके लाइव ड्राइंग कर रहा है। अभी तक 20 सेट खत्म कर दिया था। अभी अरुणाचल प्रदेश रिटर्न और पहुँच गया जी। कला यात्रा के बारे में और थोड़ा कुछ आप? और कला यात्रा के बारे में मैं हर सेट जाके अलग अलग कपड़ा कैसा पहनते, फेस्टिवल में कैसा होता है, सब चीज़ को लाइव में कर रहे हैं। आजकल क्या हो गया, फाइनेंस मतलब फाइनेंस समझते हैं, किसी को नहीं पता। कम से कम ये यात्रा में किसी को एक आदमी को पता चले तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं कला यात्रा कर रहा है। अभी तक कुछ लोग दिखा के उसको मतलब दोनों को एक्सपीरियंस मिल जाएगा क्या हो रहा है। आजकल दुनिया अलग अलग हो रहा है, लेकिन आर्ट में क्या एक्सपीरियंस मिलेगा ज़्यादा लोग को नहीं पसंद करते, मतलब पसंद है लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है। फाइनेंस मतलब फाइनेंस समझते हैं, तो इसलिए मैं दिखाऊँगा कुछ ना कुछ हर कल्चर को लाइव में ड्राइंग करके दिखा रहा है। पूरा गवर्नमेंट सरकार करे मदद करे तो किताब छाप के हर यूनिवर्सिटी में बच्चों लोगों को दिखाने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, और ये कला यात्रा उद्देश्य है जी। आप 18 स्टेट्स पे आप यात्रा कर चुके हो? जी जी, 20 जी जी। तो उन स्टेट से आपने क्या क्या चीज सीखा है या फिर कुछ ऑब्जर्व किया है? जी जी, राजस्थान का कल्चर अलग है, उन लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आर्टिस्ट मतलब राजस्थान देखना जरूरत है। कलर कॉम्बिनेशन और आर्किटेक्चर बहुत सारा अच्छा दिख रहा है वहाँ। उसके बाद लैंडस्केप लिए हिल एरिया, हिमाचल प्रदेश पंजाब नहीं है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड उत्तर का हिल एरिया अच्छा है। अभी यहाँ तक मदद करने वाला बहुत सारे लोग दोस्त लोग मदद कर रहे हैं, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग दोस्त लोग मदद कर रहे हैं, सीनियर जूनियर गुरु जी लोग सबको, उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। अब ये जो जनरल पकड़ा है आपने साथ, इसके बारे में बताइए ना क्या है? तो इसको क्या हो गया, पहले झंडा नहीं पकड़ा, कुछ जगह में हमको कुछ मार दिया था कुछ जगह में। तो उस दिन से एक गुरुजी बोला था, हमके भी कुछ दिमाग में आया था ऐसा करो तो अच्छा हो जाएगा। मेरा गुरुजी और एक है हैदराबाद में मई मधु करके गुरुजी है, एक दिन ऐसा बोल दिया तो साहब ऐसा हो गया है। तो उस दिन दिला दिया मतलब ऐसा ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं ना, आपका साथ हमेशा होना चाहिए। उस दिन से मैं रख दिया था। हाँ, तो उस दिन से आपको उसके बाद कुछ कुछ नहीं कर रहा था? मैं कहीं ना कहीं वाशरूम जा रहा है, कुछ बाहर जा रहा है, वो बैग के साथ ये रख के जाएगा, कोई टच नहीं कर रहा। पहले बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम भी हो गया, इसलिए उस दिन से मेरा कुछ नहीं होता, आईडी कार्ड है सब है इसलिए। अच्छा, और अभी आप अरुणाचल से कब आए हो? 2 दिन हो गए। अच्छा है, मतलब बारिश आ रहा है 2 दिन से करने के लिए। आज भी ईटा फोर्ट गया था लेकिन वह तो बारिश आया था, थोड़ा सा स्नेल को ड्राइंग किया था। वो आसपास में कुछ गांव है, मतलब गांव टाइप में घर बना दिया भूम का से लकड़ी से, उसको घर के अंदर जाके भी ड्राइंग किया था, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ, ये भी उसको घर में किया था, ये भी कम समय में उसको पता नहीं कुछ करके दिखा दिया, ऐसा कर रहा है लाइव यात्रा का, कला यात्रा लाइव ड्राइंग करके। आगे जाके आप क्या करने वाले हो? पूरा खत्म होने के बाद कन्याकुमारी तक लास्ट जाना है, तब यात्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मदद करने वाला कोई मतलब पैसा सरकार मदद करे तो किताब छाप के हर यूनिवर्सिटी में करेगा। बाद में कहीं ना कहीं मौका मिले तो फाइनेंस कॉलेज में फैकल्टी के लिए कोशिश करेगा। बीएफए फाइनेंस लोग कैसे करना है, आजकल पूरा कम कर रहे हैं ड्राइंग लाइव ड्राइंग। आर्टिस्ट मतलब ऑब्जर्वेशन जाना होना चाहिए, नहीं करे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं उतरा जब पूरा खत्म होने पर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में मौका मिले तो मैं फैकल्टी का करेगा कोशिश करे, बच्चों लोग कैसा ड्राइंग करना ऐसा सीख जाएगा बच्चों। आपको कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी मिलता है क्या इस यात्रा पे आप जो जा रहे हो? हाँ मिलता है, मतलब दोस्त लोग मदद कर रहे हैं, जान बचाने वाला कुछ होता है, सीनियर जूनियर अरे मेरे तरफ से 1,000 ले लो 500 लो, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कैसा प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, कहाँ सोते कहाँ सब पूछते। मैं बहुत सारे लोग दोस्त के घर में रुकते हैं और मंदिर में रेलवे स्टेशन अलग अलग जगह का ये होता है, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं मेरे को। अच्छा, आप उन यंग जो यूथ है उन लोगों का कुछ मैसेज देना चाहोगे यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का आर्टिस्ट आर्ट पे भी बहुत इंटरेस्ट है? जी जी, उन लोगों का कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी जी, मैंने तो जो भी फील्ड हो लेकिन पेशेंस होना चाहिए पहले, जो भी फील्ड हो डांस म्यूजिक यानी अदरवाइज, तो पेशेंस होना चाहिए। उन लोग आजकल स्टूडेंट क्या देख रहा है, कम समय में पैसा कमाना है, नाम आना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए, ऐसा चूस रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पुराना का हिस्ट्री देखे तो उन लोग के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा, बड़ा बड़ा फेमस होने वाला कभी ऐसा एक दिन में 2 दिन में फेमस नहीं है, लेकिन जो भी सक्सेस नहीं होता है ना, प्रैक्टिस होना चाहिए, जो भी फील्ड हो लक्ष्य रखना चाहिए,
लक्ष्य रखने के भी काम हमेशा करना भी पड़ेगा, इसलिए साधन भी करना चाहिए। एक लक्ष्य मतलब लक्ष्य गोल रख के भी काम नहीं करे तो नहीं जाएगा ना, नहीं पहुंच जाएगा ना, इसलिए रखना चाहिए। इसके साथ दो भी काम भी करना चाहिए, नहीं तो आजकल कम हो रहा है, अरे फालतू में ये कॉलेज में आ गया, ये फैकल्टी अच्छा नहीं, ऐसा बोलने वाला ज़्यादा लोग मिल रहा है। ये भी होता है, लेकिन पहले अपने काम कितना कैसा कर रहा है, कितना दिन का घंटा काम का कर रहा है, सभी सोचना पड़ेगा ना। ये छोड़ के दूसरा बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं स्टूडेंट को क्या बोल रहा है, जो भी पेशेंस होना चाहिए, अपने पहले अपने सब्जेक्ट को सिखा जाओ, तो लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, क्या टीचर क्या बोल रहा है उसको प्रैक्टिस भी होना चाहिए जो भी फील्ड में प्रैक्टिस। जी जी, प्रैक्टिस नहीं करे तो कुछ नहीं कर पाएगा। सब लोग बोलते हैं बोलने में बहुत ईजी है, करने में दिक्कत होता है, करके दिक्कत है, उसको कुछ सुनो, बात सुनो, नहीं तो नहीं सुन पाएगा ना। बोलने के ईजी है ना, अरे बहुत सारा करो करो तो कहाँ से करेगा, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे को 2017 दिसंबर से बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, आजकल थोड़ा अभी मदद कर रहा है, पहले नहीं था ना, हमको सब लोग पागल बना दिया, मतलब जॉब छोड़ के जुबली पब्लिक स्कूल में टीचिंग किया था 2.5 ईयर्स में, ये छोड़ के करने के टाइम में 2 साल तक हमको पागल बना दिया, सीनियर जूनियर, मतलब एक क्यों कर रहा है ऐसा पता नहीं। बाद में एक बार उत्तर प्रदेश में मंडी दनर में न्यूज़ आया था, उस दिन सर यार अच्छा काम कर रहा है, मेरा तरफ से ये करो ये करो तो मदद कर रहा है ये, इसलिए पेशेंस भी बहुत होना चाहिए। डायरेक्ट अच्छा काम कर रहा है मेरे को मदद कर रहा है बोल तो नहीं कर पाएगा ना, तुमका पेशेंस क्या है, वर्क कैसा चल रहा है, मतलब परिवार का मतलब बैकग्राउंड क्या है, कैसे सब सोचते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाए तो हमारे को हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा बोल तो भी बहुत गलत है ना। अपने पेशेंस से करके अपने काम दिखाओ, बस आगे जाए बढ़ जाएगा जो भी फील्ड में।